हेलो एवरीवन, देवदत्त दिस साइड। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफी बढ़िया कर रहे होंगे। वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोतीलाल ओसवाल में फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करोगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीस है, ठीक है। लेकिन ट्रेड करने से पहले ना ये दो बातें याद रखना कि ट्रेड का टाइम जो है ना वो 9:30 से लेकर शाम को 3:30 तक है, ठीक है। और उसका जो डेट है ना ट्रेड का, जो कौन कौन से दिन ट्रेड नहीं होता, देखो सैटरडे और संडे, ठीक है, ये दो दिन है जिस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये दो दिन है, इन दो दिन में ट्रेड नहीं होता, ठीक है, बंद रहता है, ठीक है, शेयर मार्केट, इसीलिए ट्रेड नहीं होता। बाकी मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहां पे जाके दिखाता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड डालना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। एक दो मिनट का अभी वीडियो होने वाला है, तो देख लेना, आपको पूरा चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। उसके बाद होम के साइड में 3 लाइन दिखाई देगा ऊपर की तरफ, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद फंड ट्रांसफर में क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक पेज आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल मार्जिन, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 भी दिखा सकता है, मेरे में 200 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपके इसमें अगर 50-60 कुछ भी पैसा दिखाई देता है, ठीक है, तो आप क्या करना, पैसे ऐड मत करना, फंड ऐड मत करना, ठीक है। और अगर आपके में दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो आप यहाँ पे अमाउंट टू ट्रांसफ़र जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आप फंड ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 23 रुपीज़ डाला। उसके बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग होगा, तो आपको सिलेक्ट करना है UPI, ठीक है, यानी कि फ़ोन पे गूगल पे से आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए UPI सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे UPI एड्रेस जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप अपना UPI एड्रेस डाल देना है। अगर आपको नहीं पता कहाँ पे मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन पे के अंदर जाके, ठीक है। तो फ़ोन पे के अंदर जाके आपके प्रोफाइल में जाके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो माई भीम UPI ID, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिल जाएगा आपको अपना UPI ID, ठीक है। तो इसी UPI ID को आपको जस्ट अपने उसमें डालना है, मोतीलाल ओसवाल के एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे UPI एड्रेस जो है वहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, ओके। एंड यहाँ से ना आपको एक रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र करने का एक रिक्वेस्ट जाएगा। अभी जैसे मेरे मोबाइल में आ रहा है, आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो ऐसे एक रिक्वेस्ट आया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली पे के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ से ना आपको पेमेंट कर देना है, कितना पेमेंट करना है, 23 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा। तो यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके पे कर देना है, ओके। एंड यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद ना आपको सिंपली क्या करना है, फिर से आपको मोतीलाल ओसवाल एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाएगा सक्सेस, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र सक्सेस, ओके। एंड इसके बाद ना आपको क्लिक करना है होम के बटन पे, नीचे की तरफ दिखाई देगा होम, यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको फिर से आ जाना है सर्च बार में, यहाँ पे सर्च का बटन दिखाई देगा नीचे, तो सर्च में क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ना आपको सिंपली सर्च करना है आइडिया, ठीक है। आइडिया का शेयर आपको 2 शेयर पड़ेगा 20 रुपीज़ का, ठीक है। तो आइडिया यहाँ पे जस्ट सर्च करना है, तो आइडिया ऐसे आ जाएगा, IDEA NSE, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद और इसके बाद यहाँ पे आएगा बाय और सेल, ठीक है। तो यहाँ पे बाय करना है आपको शेयर, तो इसके लिए बाय पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे होता है कि आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप में बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे तो जो दिखाई दे रहा है ना ऑर्डर टाइप, यहाँ पे क्या करना है, मार्केट सिलेक्ट करना है, ठीक है। और क्वांटिटी पे यहाँ पे 2 डालना है, 2 टाइप करना है। उसके बाद नीचे दिखाई देगा बाय का, ठीक है, तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। और उसके बाद दैट्स इट, हो गया बाय, ऑर्डर बुक हो गया, ठीक है, आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद ना आप चाहो तो इस ऑर्डर को आके रिपोर्ट में आके यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट में आके पोजीशन पे क्लिक करना है। उसके बाद NET जो दिखाई दे रहा है ना, इसके साइड में डे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप अपना आके देख सकते हो ऑर्डर, ठीक है। तो इतना ही सिंपल सा स्टेप था, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती रहेंगी, ठीक है।